हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के दिवंगत पति नरसिंह ढांडा की 10वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर कलायत विधानसभा क्षेत्र के गांव चंदाना में युवा जागृति समिति द्वारा आयोजित किया गया। नरसिंह ढांडा क्षेत्र की राजनीति के बड़े नेता थे। कमलेश ढांडा ने अपने दिवंगत पति नरसिंह ढांडा के आदर्शों पर चलने और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। युवा जागृति समिति द्वारा चंदाना गांव की साफ सफाई की व्यवस्था के साथ रक्तदान का कार्य प्रमुखता से किया जाता है। आइए शिविर के समय रिकॉर्ड की गई कुछ साउंड बाइट्स को सुन लेते हैं। देखिए आज जो ये चंदाना गांव की युवा जागृति समिति की जो ये युवा है ये आज डांडा साहब की याद में जो ये आज शिविर लगाया है और ये बहुत ही अच्छा कदम है, बड़ी अच्छी पहल है। तो मैं युवाओं का आभार प्रकट करती हूँ और कहना चाहूँगी जो युवाओं ने आज ये शिविर लगाया है एक रक्त की बूंद से किसी भी जीव का जीवन सफल हो सकता है, उसका जीवन बच सकता है। देखिए आज डांडा साहब की आज 10 साल हो चुके हैं, 10वीं पुण्यतिथि है और जो उनकी कार्यशैली थी काम करने की, जो उनकी ईमानदारी साफ छवि थी, लोगों के साथ मिलनसार स्वभाव और जो उन्होंने रास्ता दिखाया, जो उनके सपने अधूरे थे जो रास्ता वो छोड़ कर गए हैं। मैं भी एक जो हरियाणा सरकार में मुझे भी मंत्री पद मिला है, मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलकर ऐसे ही लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम करूँ, अंतर से काम करने का काम करूँ। हमारी युवा जागृति समिति रजिस्टर्ड समिति है जी, इसके 22-23 मेंबर हैं, सभी मेंबर बहुत ही बढ़िया अच्छे काम करते हैं और युवा जागृति समिति गांव में साफ सफाई समय समय पर करती रहती है और जो भी सामाजिक कार्य है वो भी करती रहती है। जैसे ब्लड डोनेशन का हमारी समिति ने निर्णय लिया और ये ब्लड डोनेशन का आज श्री स्वर्गीय नरसिंह डांडा जी की पुण्यतिथि पर हमने ये कार्यक्रम करने का निश्चय किया और इसका आज आयोजन किया। महादान कहा गया है क्योंकि किसी की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें इसकी एक यूनिट 3 आदमियों की जान बचाती है। जैसे हमारे सैनिक है, हमारे सैनिक के बॉर्डर पे वो कर रहे हैं, उसमें किसी की दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ, उसके लिए रक्तदान बहुत जरूरी है। एक आदमी का ग्रुप अलग होता है, सभी का अलग अलग ग्रुप है, रंग जरूर लाल है परंतु ग्रुप सबका अलग अलग है, इसलिए हर आदमी हर तरह का जितने भी ज्यादा करेंगे उतनी ही यूनिटें अलग अलग ग्रुप की ज़्यादा यूनिटें आएंगी। युवा जागृति समिति की तरफ से आज गांव चंदाना में पूज्य स्वर्गीय श्री नरसिंह डांडा जी की पुण्य समिति में जो आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसका समिति का एक अहम उद्देश्य है भाई रक्तदान महादान। रक्त एक ऐसी चीज़ है जो बाजार में आम चीज़ों की तरह अवेलेबल नहीं हो सकती, इसका महत्व एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है जो वो इसका महत्व अच्छी तरह से समझता है। तो मैं सभी लोगों से और खासकर युवा जागृति समिति के सभी सदस्यों की तरफ से धन्यवाद करूंगा जो ये ब्लड दान करते हैं और आगे भी जो समिति है भविष्य में ऐसे कई जो है आयोजन करती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। युवा जागृति समिति के काम के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।